हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का टीम कंपटीशन करेंगे। तो आगे बात करते हैं, जहाँ पे आईपीएल का आगाज में अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है, ऐसे में सारी टीम्स अपनी परफॉर्मेंस के बल पे इस ट्रॉफी को जीतना चाहेगी। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे टीम्स के बारे में जिसके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जो अपने खेल के दम पर अकेले ही पूरा मैच पलट सकते हैं। तो बात करेंगे दोनों टीमों के बारे में डिटेल्स में और जानेंगे इन दोनों टीम्स के बारे में कौन सी टीम दम रखती है 2024 के आईपीएल का खिताब जीतने का। तो आगे बात करते हैं, कुछ टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा। तो पहले टॉपिक की बात करेंगे जो कि दोनों टीमों के इतिहास के बारे में रहेगा। सेकंड टॉपिक बात करेंगे कैसा रहा इन दोनों टीमों का पास्ट परफॉर्मेंस। थर्ड टॉपिक बात करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स में। और फोर्थ टॉपिक बात करेंगे, जानेंगे दोनों टीमों के कमजोरियाँ और खूबियों के बारे में। पांचवें टॉपिक पे बात करेंगे, बताएंगे अपनी राय वो टीमों के बारे में। बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहली टॉपिक की बात करें जो कि दोनों टीमों का इतिहास रहेगा। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल में काफ़ी प्रसिद्ध और सफल इतिहास रखते हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स एक नई टीम है जो आईपीएल में तीसरी बार आईपीएल 2024 के सीजन में उतरने के लिए तैयार है। जहाँ एक तरफ आपको हार्दिक पांड्या टीम के मुंबई इंडियंस की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे, वहीं बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तो इस साल के भी इस टीम के कैप्टन के तौर पर हमें भारतीय क्रिकेट के हुनरबाज बल्लेबाज केएल राहुल इस टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कैसा रहेगा इन दोनों टीमों का पास्ट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, बात करें इन दोनों टीमों के पास परफॉर्मेंस के बारे में, तो बता दूं दोनों टीम्स आईपीएल 2023 के सीजन प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमें थी। तो बात करें जहां पे मुंबई की टीम 5 दफा इस टूर्नामेंट में जीत चुकी है, वहीं लखनऊ की टीम जो कि कहीं ना कहीं 2024 के आईपीएल में अपना पहले खिताब जीतने के मकसद में मैदान में उतरना चाहिए। तो बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड परफॉर्मेंस के बारे में, तो बता दूं दोनों टीमों का आमना सामना टोटल 4 बार हुआ है, जिसमें से लखनऊ की टीम जो है वो 3 बार जीती है, मुंबई की टीम्स महज एक बार लखनऊ की टीम्स को हरा पाई। तो कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम वो मुंबई की टीम पर हावी रही, तो यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्या इस सीजन में मुंबई की टीम्स लखनऊ की टीम्स पे भारी पड़ती है या नहीं पड़ती है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे डिटेल्स से। तो दोस्तों, एक टीम को बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान किरदार होता है। कुछ ऐसे ही इन दोनों टीम्स को कॉम्बिनेशन इस दोनों टीमों को काफ़ी खास बनाती है। तो आइए जानते हैं इस प्लेयर्स के और उनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम। तो पहली प्लेयर है हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ईशान किशन है, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, टीम डेविड है, रुमायूं सफेद, मोहम्मद नबी, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, जेसन बैंड्रप है। वहीं सेकेंड टीम की बात करें प्लेयर जो कि क्वेंटन डीकॉक है, केएल राहुल है, देवदत्त पड्डीकल है, निकोलस पुरन है, आल पांड्या, मार्कस स्टोनी, आयुष बदोनी, शिवम आवी, मार्क वुड, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर। तो ये थी दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 जो कि एक बैलेंस टीम को तरह देखने को लग रही है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, हर टीम में कोई ना कोई खूमियाँ खामियाँ होती है जो एक टीम के हार और जीत के एक अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, हम बात करें दोनों टीम्स के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो बता दें मुंबई इंडियंस की टीम जो एक बैलेंस टीम है, पर कहीं ना कहीं टीम में जो अपने स्टार्टिंग के मैचेस में कंसिस्टेंट नहीं रहते, जिसकी वजह से मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल नंबर 4 पे काफ़ी तक पहुंच जाते हैं। टीम कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से स्ट्रांग है, बस बात करें जब गेंदबाजी की आती है तो पूरी की पूरी टीम कहीं ना कहीं सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर निर्भर रहती है, जिसकी वजह से टीम को गेंदबाजी में लैक करती है। वहीं बात करें लखनऊ की, तो बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ की टीम में कुछ भी यही हाल है। लखनऊ की टीम भी कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में लखराती हुई नजर आती है। लखनऊ की टीम को कहीं ना कहीं गेंदबाजों से कुछ खास मदद नहीं मिल पाती है, जहां पे पावर प्ले के दौरान एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का उपलक्ष्य बल्लेबाजों द्वारा बनवा देती है। तो कहीं ना कहीं इस सीजन में दोनों टीमों को अपनी गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी। अब आगे बात करते हैं पांचवा, अपनी राय दोनों टीमों के बारे में। तो बात करें दोनों टीमों के बारे में, तो दोनों टीम को काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल टीम है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने भी जानते हैं। जहाँ एक तरफ मुंबई की टीम हमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, वहीं बात करें दूसरी टीम में तो हमें केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी, निकोलस पुरन जैसे धाकर फिनिशर इस टीम को एक काफ़ी अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही टीम में कोई एक पूरी तरह से फुल प्लेट की तरह, जिसमें काफ़ी सारे नामी खिलाड़ी शामिल भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि टीम तो जाए तो दोनों टीम में जो आईपीएल के खिताब जीतने का प्रेफर करती है, तो अपने शानदार क्रिकेट के परफॉर्मेंस के बलबूते या दोनों टीम्स आईपीएल 2024 का टाइटल जीतने का हकदार है।
अरे दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो इस बार का कंक्लूजन हो सकता है दो टीम्स पर। इस बार मुंबई इंडियंस की टीम जो प्लेइंग 11 में काफी धाकर है, तो इस बार उम्मीद है कि 2000 टाइटल का अपने नाम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, काफी इंटरेस्टिंग हो, आप लोग जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।